सोनभद्र से अरविंद तिवारी पत्रकार की खास रिपोर्ट। सोनभद्र के चारों विधानसभा में कांग्रेस ने बाइक जुलूस निकालकर किया प्रचार। जैसे जैसे चुनाव का दिन नजदीक आते जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार भी तेज होते जा रहे हैं। इसी के तहत आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा चारों विधानसभा सीटों पर नगर में बाइक रैली निकालकर चुनाव प्रचार किया गया। घोरावल विधानसभा घोरावल नगर में बाइक रैली निकालकर चुनाव प्रचार कर कांग्रेसी प्रत्याशी बिंदेश्वरी सिंह राठौर के पक्ष में प्रचार किया गया, जबकि रावतसगंज विधानसभा के रावतसगंज नगर में बाइक रैली निकालकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार किया, जबकि ओबरा और दुद्धी में भी बाइक रैली निकालकर चुनाव प्रचार किया गया। सोनभद्र में सातवें चरण में होने वाले चुनाव को लेकर अब सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है और सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी के जीत का दावा कर रही हैं। वहीं माहौल बनाने के लिए अलग अलग तरीके से चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं, जबकि आज कांग्रेस पार्टी ने सोनभद्र के चारों विधानसभा सीटों पर बाइक रैली निकालकर नगरीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया और अपने प्रत्याशी के जीत का दावा किया। वहीं बाइक रैली में हिस्सा लिया संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ सरकार चंद्र देव राय ने बताया, यहां पर युवा किसान चले गए हैं, न तो युवाओं को रोजगार मिला है और न ही किसानों को सुविधाएं मिल पाई हैं। ऐसे में लोगों का समर्थन अब सिर्फ कांग्रेस की तरफ देख रहा है। यहां पर जो भी विकास कार्य किए गए हैं वो कांग्रेस के समय में किए गए हैं, जिसको लेकर लोगों का झुकाव कांग्रेस की तरफ है और कांग्रेस पार्टी के चारों प्रत्याशी जीत कर विधानसभा जाने का काम करेंगे। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर कांग्रेस जन भगवान भोलेनाथ के शरण में हम लोग अपने ओझा जी को यहाँ से जाने के लिए प्रार्थना करते आए हैं। इस पर प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। यहाँ के किसान ठगे गए हैं, यहाँ के महिलाएं ठगे गई, यहाँ के बेरोजगार युवा साथी ठगे गए हैं, यहाँ के गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा, अधिकार नहीं मिल रहा। जो भी काम हुई है यहाँ का नहर की काम हो क्या है, उद्योग की काम हो, कांग्रेस के समय में जो काम हुई है, यहाँ से चारों सीट सोनभद्र की चारों सीट रावतगंज से कमलेश ओझा जी को जिताने के लिए हम सब पूरे कांग्रेस जन इकट्ठा हुए हैं और इस पर भारी बहुमत से कमलेश ओझा जी यहाँ से जीत के आएंगे सदर विधानसभा से। और पूरे कांग्रेस में जो उत्साह दिख रहा है, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो उत्साह दिख रहा है, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो उत्साह दिख रहा है, आने वाले परसों प्रियंका गांधी जी आ रही है हमारे इस सोनभद्र जिले में, निश्चित है यहाँ से भारी संख्या में हम कांग्रेस को चारों सीट जिता के देंगे। धन्यवाद संसदीय सचिव शक्तिकांत पापर।